नमस्कार। बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से मोकामा भी अब अछूता नहीं रहा। इलाके का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र गर्मी और लू की चपेट में है। इस जानलेवा गर्मी से मोकामा शहर में सन्नाटा पसर गया है। इक्का दुक्का लोग ही बाजार में नजर आ रहे हैं। गर्मी से परेशान लोगों का घरों से निकलना दुभर हो रहा है। बाजार में शीतल पेय पदार्थ की बिक्री भले ही बढ़ गई है, मगर लोगों की जिंदगी के लाले पड़ रहे हैं। हर तरफ गर्मी का कोहराम देखा जा रहा है। सहरसा जिले के बैजनाथपुर के भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर से सोने की हुए चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। दरअसल बीते 10 अप्रैल को शाखा प्रबंधक ललित कुमार सिन्हा द्वारा बैजनाथपुर ओपी में लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें बैंक के लॉकर से बैंक सफाईकर्मी उमेश मालिक के द्वारा अवकाश के दिन बैंक में आकर लॉकर से तकरीबन 2 kg 700 ग्राम सोना चोरी कर लिए जाने की बात अंकित की गई थी। इसी बात की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी की गई। मामले को तुरंत गंभीरता से लेते हुए एसपी लिपि सिंह ने पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु निशिकांत भारती के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया और मामले का उद्भेदन किया। 10/5/22 को शाखा प्रबंधक एसबीआई बैजनाथपुर के द्वारा थानाध्यक्ष बैजनाथपुर को सूचना दी गई कि 23 अप्रैल 2022 को उनके यहाँ से चोरी हुई है और गोल्ड ऑर्नमेंट्स 2 kg 700 ग्राम के अराउंड थे। सीसीटीवी फुटेज को देखा गया 23/4/22 को और उस दिन अवकाश का दिन था। क्योंकि मामला इतना संवेदनशील था और भारी मात्रा में सोने की चोरी हुई थी, त्वरित एक एसआईटी का गठन किया गया डीएसपी प्रोबेशनर निशिकांत भारती के नेतृत्व में और उनके द्वारा उसकी पूरी टीम के द्वारा एक सफल उद्भेदन किया गया। बैंक ने बताया कि जो झाड़ू पोछा करता है, सफाई कर्मचारी है बैंक का उमेश मलिक, उसी ने ये चोरी की है। प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पे संजय सा, अनिल सा और सुनील कुमार, जो कि ज्वेलर हैं गोड़ासन मोतिहारी के, उनको गिरफ्तार किया गया। और कुल सोना अभी तक जो हम लोगों ने बरामद किया है वो 1 kg 128 g.640 है। साथ में 449,500 नेपाली करेंसी भी है। एक ये सफल उद्भेदन माना जा रहा है क्योंकि बैंक के द्वारा हम लोग को काफ़ी देर के बाद सूचना दी गई। साथ में ये भी मैं अपील करूंगी कि ये जो चोरी हुई है इसमें लापरवाही भी देखी गई है बैंक के द्वारा। जो झाड़ू पोछा करता है वही व्यक्ति कैश काउंटर भी ऑपरेट करता था, साथ में ज्वेलरी का लाना ले जाना या फिर कैश को भी करता था। इसीलिए उसने मौका देख करके, जिस दिन छुट्टी का दिन था, ये घटना जो है अपने साथियों के साथ मिल करके की है। अभी भी कुछ और व्यक्तियों को निशानदेही पर उठाया गया है तथा हमारी कोशिश है कि और भी जो सोना रिकवर हो सकता है तो हम लोग उसको रिकवर करेंगे। ये नेपाली करेंसी का क्या मामला है? एक्चुअली ये जांच में ये पता चला है कि काफ़ी सोना नेपाल में भी बेचा गया है, तो जो नेपाल में बेचा गया है इसीलिए वहाँ पे नेपाली करेंसी बरामद हुई है संजय शाह के यहाँ से। भागलपुर में नवगछिया अनुमंडल के रंगड़ा प्रखंड के जहांगीरपुर वैसी पंचायत में बिहार सरकार के माननीय राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, कहलगांव के विधायक पवन यादव, पूर्व सांसद अनिल यादव, भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल समेत अन्य भी मौजूद दिखे। कल मैं भागलपुर जिले के समाहरणालय में बैठक कर रहा था आपदा और श्रावणी मेला का, उसी संदर्भ में माननीय हमारे जिलाध्यक्ष ने पूर्व में बताया और माननीय विधायक जी ने बताया कि मेरी क्षेत्र का समस्या है, इसमें कटाव पीड़ितों को कटाव से बचाना है। तो मैंने निर्णय लिया कि जब तक मैं कटाव स्थल को नहीं देखूंगा तब तक सही स्थिति पता नहीं चलता। मैंने कटाव स्थल को भी देखा है, भयावह स्थिति है और ग्रामीणों ने मुझे आवेदन प्राप्त करने का आश्वासन दिया देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिखकर और मिलकर के और माननीय इस विभाग के मंत्री भाई संजय झा जी से बात करूंगा कि इसे कोसी नदी का जो कटाव हो रहा है वैसी जहांगीरपुर में अविलंब इसको रोके। मुझे लगता है कि अगर न रुका तो ये सैकड़ों घर धारा प्रवाह कोसी में ध्वस्त हो जाएगा। इनको बचाना सरकार का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य है। मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ, मैं पूर्ण रूप में विश्वास दिलाता हूँ इस पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी और जल्द कटाव निरोधक काम इस पर किए जाएंगे। बचेगा, हम लोग जाकर रिपोर्ट करेंगे सरकार में। आज सरकार देखिए खुद ही आपके यहाँ आज घर पहुँची हुई है आपका जी, और यहाँ के माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने कल कहा कि भाई चलिए आज जहांगीरपुर वैसी चलना है और कटाव जो है रफ्तार पकड़ लिया है। माननीय मंत्री जी देखिए सबों के साथ, पूरे ग्रामीणों के साथ में आकर करके मुआयना भी किए हैं, आप लोगों से दरख्वास्त भी ले रहे हैं
और हम लोग चल करके सरकार। नालंदा में कंगड़ सराय थाना क्षेत्र के कंगड़ सराय हिलसा मार्ग पर रविवार की देर रात राजभवन गांव के पास बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उसकी स्कूटी रुकवाई और गोली मारकर भाग निकले। वहीं मृतक की पहचान जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र स्थित बेलई गाँव निवासी विकास कुमार के रूप में की गई। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। एक कंकर से हिलसा जाए के तरफ में बाएं साइड में झाड़ी के किनारे गिरा हुआ। अच्छा, कैसे मैंने इसकी हत्या की गई सर? गोली लगने से पहचान हो गई है, मृतक की पहचान हो गई है और जो मारा है उसका बारे में अनुसंधान चल रहा है। खबर दानापुर से है, जहां चर्चित दीपक मेहता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस के हिरासत में है। पुलिस ने मुख्य शूटर नीतीश कुमार, जो कि भगवानगंज के कन्हौली का रहने वाला है, उसे एक पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शूटर नीतीश कुमार ने दीपक मेहता और मसौड़ी दिनेश शर्मा और जहानाबाद अभिराम शर्मा हत्याकांड में अपनी संलिप्तता को पुलिस के समक्ष स्वीकार की है। ये एक काफ़ी बड़ी मेजर उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें आप सभी को याद होगा एक दीपक मेहता का मर्डर केस हुआ था 2022 दानापुर थाना। ये 28 मार्च को घटना हुई थी, जिसमें जब DIU और सेल के द्वारा और थाना द्वारा जब इसका टेक्निकली अनुसंधान किया गया तो डम द्वारा एक स्पेसिफिक नंबर मिला, जिस नंबर का संपर्क उमेश राय से हुआ था। उसी क्रम में जब काफ़ी ज़्यादा गहन इसमें अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि ये एक व्यक्ति है नितेश करके, जो अनौली भगवानगंज के रहने वाले हैं, उनका नंबर ट्रेस डाउन हुआ। ये एक काफ़ी बड़े कुख्यात अपराधी के तौर पर मशहूर हैं। इनके द्वारा जब इनको अप्रिहेंड किया गया, जब इनको पकड़ा गया, इनको कल रात करीब 12:30 बजे नासरीगंज घाट से पकड़ा गया है, क्योंकि ये सूचना मिली थी कि ये यहाँ पर घूम रहे हैं। ये दो और व्यक्तियों के साथ यहाँ पर आए हुए थे, जब इनको नासरीगंज घाट से पकड़ा गया तो दो व्यक्ति जो हैं वो भागने में सफल रहे। उन दोनों व्यक्तियों का नाम एक अफसर मलिक है, एक रजनीश हैं, जो दोनों रहने वाले मसौड़ी के हैं। इनके पास से दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, एक चोरी का बिना नंबर का प्लेट का बाइक, सुपर हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर भी रिकवर किया गया है। जब इससे काफ़ी ज़्यादा गहन छानबीन की गई तो इसने बताया कि 28 मार्च को जब ये यहाँ पे दीपक मेहता का मर्डर किए थे तो उसके लिए इनको सेट किया गया था, जो ये है उमेश राय द्वारा। ये सबसे पहले मसौड़ी, अगर आपको जानकारी होगी तो मसौड़ी में थाना परिसर के आसपास एक गोली चली थी, जिसमें मुख्य तौर पर नितेश अफसर मलिक व रजनीश नेम थे, उसके अलावा एक सोनू करके व्यक्ति भी उसमें नेम था। उसके बाद वो घटना करने के बाद वो उमेश राय के यहाँ पर लॉज पे काफ़ी दिनों से रह रहे थे, जिसी के क्रम में इसने जितना बताया है कि ये मसेरा भाई लगता है उमेश राय का, उसने उसको सेट किया, उसके थ्रू इनको पूरा एरिया व उसका अवलोकन कराया गया, उनको सेट किया गया। उनको करीबन 7 लाख रुपए में इन तीनों व्यक्तियों को, नितेश अफसर मलिक व रजनीश, तीनों को सेट किया गया 7 लाख रुपए में। और इनको दीपक मेहता का जो एग्जैक्टली जो हमने बताया था आपको पिछली बार कि 52 कट्ठा जो एक प्लॉट था उसके लिए काफ़ी विवाद चल रहा था दीपक मेहता के साथ। उसके अलावा जो बाकी दो शूटर इसने बताया वो रवि गोप और उनकी टीम, जो मेजरली 29 कट्ठा का जमीन था वो जो विवाद चल रहा था उसके लिए सेट किया गया था। गया जिले के टिकारी डुमरसन पथ के सलेमपुर के पास डंफर की चपेट में आने से दिव्यांग युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कॉलेज मोड़ के पास शव रखकर सड़क को जाम कर दिया। घटना के बाद चालक डंफर छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पहुंचे ग्रामीणों ने डंफर पर तोड़फोड़ की और बेलहड़िया मोड़ के पास अगजनी कर जमकर आक्रोश जताया। मौके पर टिकारी थाना की पुलिस पहुंची और आक्रोशितों को समझाने की कोशिश की गई। खबर दानापुर से है, जहां विक्की हत्याकांड में सुपारी किलर सहित 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों विक्की को अपराधियों ने पटना से मोतिहारी के पिपराकोठी में ले जाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। दिनांक 30/4 को बेउर थाने में एक व्यक्ति के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। उस व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग और ब्रोकरी का काम करते हैं और 29 तारीख के 11 बजे दिन से वो गायब है। 30 तारीख को हमें एक सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद सूचना के सत्यापन में हम लोगों ने शुरू किया, जो पुलिस कार्रवाई है उसको शुरू किया। शुरू करने के बाद उनके साथ प्रॉपर्टी डीलिंग में जितने लोग थे उन सब लोगों को हम लोगों ने सर्विलांस पे लिया। उनकी आवाजाही, उनकी बातचीत,
और साइंटिफिक उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो अगले चार दिनों के बाद हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई, टेक्निकल एविडेंस जिसको कहते हैं, टेक्निकल एविडेंस मौखिक सूचना के साथ साथ, जिसके बारे में, जिसके बाद हम लोगों ने उनके एक पार्टनर को, जो विक्की पासवान के साथ पेशे में पार्टनर थे, ग्रिल करना शुरू किया, उनसे पूछताछ करना शुरू किया। पहले में उन्होंने आनाकानी की, उसके बाद उनसे पूछताछ करने, और उनसे पूछताछ करने के बाद हम लोगों के पास जो टेक्निकल एविडेंस मिला, उस टेक्निकल एविडेंस के बाद जो पूरी स्टोरी सामने आई, वो उस पूरी स्टोरी का, इस क्राइम का लब्बोलुबाब ये है कि विक्की पासवान जो पेशे से ब्रोकरी और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे, उनका राजीव नगर की एक शादीशुदा महिला से संबंध था। इस संबंध में वो पहले 2-3 महीने पहले उस महिला के साथ बाहर भी गए थे, और शादीशुदा होने के बाद भी विक्की पासवान की दिली इच्छा थी कि उसके पति को ख़त्म करा करके उस महिला को भी अपने साथ रखा जाए। तो विक्की पासवान ने अपने पार्टनर के माध्यम से उस शादीशुदा महिला के पति की हत्या कराने की साजिश, सुपारी 1,35,000 रुपये में अपने पार्टनर मंतोष कुमार के माध्यम से, जो सीरियल किलर है, जो 2006 से पटना जिला में 10 से 12 हत्या का अभियुक्त है और बेउर जेल से वो जनवरी में बाहर निकला था, उसको सुपारी दी गई। रामाशीष कुमार रहने वाले मुंगेर के हैं। 2005 से ये हत्या केसेस में पिछले 10 इन्होंने जो स्वीकार किया है, जिसको हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं, 10 से 12 हत्याएं की हैं। इनके हत्या करने का जो मोडस ऑपरेंडाई है वो ये है कि ये सामने वाले को, जिसकी हत्या करनी होती है, जिसके बारे में सुपारी दी जाती है, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के किसी काम के लिए बुलाते हैं, फोर व्हीलर में उसको बैठाते हैं, और यहाँ से ले जा करके हाईवे पर रस्सी से गला घोट करके उस व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, और उसके बाद उस व्यक्ति की डेडबॉडी को किसी तीसरे चौथे ज़िले में अनायास, मतलब फेंक देते हैं, और उसके बाद ये वापस चले आते हैं। ये 2019-20 में डब्लू सोनार का सगुना मोड़ पर हत्या हुआ था, जिसमें भी ये मुख्य अभियुक्त हैं, जिसमें ये बेउर जेल में बंद थे, उसके बाद बाहर आए थे। जनवरी 2022 में ये बाहर आए थे, और उसके बाद इनको ये सुपारी मिली। इनके इसके लिए इन्होंने प्लान किया। प्लान करने में इनके जो दूसरे शागिर्द निकले वो रुस्तम है, जो मोतिहारी ज़िले का कुख्यात अपराधकर्मी है, जिसपे 15 से 20 केसेस हैं, और इनका मोडस ऑपरेंडाई है कि बड़े ऑफिसर बन करके ये किसी ट्रैवल एजेंसी से फोर व्हीलर को, स्कॉर्पियो को, फॉर्चूनर को बुक करते हैं, बाद में उसके ड्राइवर को या तो हटा करके या हत्या करके उसको लूटते हैं, उस गाड़ी को, और उससे ये क्राइम को अंजाम देते हैं। तो रुस्तम, आशीष, विक्की पासवान के पार्टनर मंतोष, इन तीनों लोगों ने मिलकर के एक प्लानिंग की। उस प्लानिंग में राहुल कुमार को ड्राइवर के रूप में और विपुल कुमार को उसके एटीएम से सारे पैसे को निकालने के रूप में इन लोगों ने रखा। 28 तारीख को इन्होंने पूरे क्राइम की ड्राई रन की। उस फॉर्चूनर गाड़ी से, जो फॉर्चूनर गाड़ी इन लोगों ने 15-4 को लूटी थी, 15-4 को लूटने का प्रक्रम ये था कि मुजफ्फरपुर से फॉर्चूनर गाड़ी को इन लोगों ने बुक कराया थ्रू ट्रैवल एजेंसी कि हमें पटना एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर जाना है। तो 12,000 रुपये में वो ट्रैवल एजेंसी से गाड़ी बुक हुई। एयरपोर्ट से लेकर के एम्स गोलंबर और मुजफ्फरपुर के बीच में उस फॉर्चूनर गाड़ी को लूट लिया गया, और उस फॉर्चूनर गाड़ी को इस क्राइम में यूज़ किया गया। 28 तारीख को इन लोगों ने ड्राई रन किया जहाँ जहाँ से थे। 29 तारीख को मंतोष कुमार ने, जो विक्की पासवान का पार्टनर था, विक्की पासवान के साथ बात करके वो उसके घर जाता है, ज़मीन के बोलता है कि एक बड़ा पार्टी है जिससे ज़मीन का डील करना है। विक्की पासवान को उसी के बाइक से मंतोष कुमार आरजेडी ऑफिस के सामने ले जाता है। विक्की पासवान अपनी बाइक से खुद जाता है मंतोष के पास। वहाँ पर फॉर्चूनर गाड़ी लगी रहती है। उस फॉर्चूनर गाड़ी में पहले से रामाशीष कुमार, रुस्तम कुमार, विपुल कुमार और राहुल कुमार बैठे रहते हैं। वहाँ पर ज़मीन दिखाने के नाम पर विक्की पासवान को उस गाड़ी में बैठाया जाता है, और उसके बाद उसके पास जो एटीएम कार्ड होता है, उस एटीएम कार्ड से सारा पैसा निकालने का काम विपुल कुमार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद वहीं पर उसको ओवर पावर करके उसकी वाइफ से बात कराई जाती है, और उससे 1,60,000 रुपये चेक के माध्यम से बैंक से निकलवाया जाता है। उस पैसे को लेने का काम भी विक्की पासवान करता है, विपुल कुमार करता है। विपुल कुमार थ्रू आउट अपनी आइडेंटिटी छिपाता है,
हेलमेट पहने रहता है, मास्क लगाए रहता है, कैप रहता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।